पूरा बोल दे क्लियर जो भी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक एवरीथिंग, ठीक है? नो नीड टू हाइड एनीथिंग। तो सीन ऐसा था कि हम पीएमसीओ खेल रहे थे, ठीक है? तो पीएमसीओ में सारे हमने खेले मैचेस, बहुत सारे मैचेस। मैं रैपजॉट, क्रैक और ब्लास्टी खेलना था, ठीक है? सारांग का ईयरफोन खराब था, और तभी उन आसाम में कर्फ्यू लगा हुआ था गुवाहाटी में, तो मतलब चाह के भी कोई उसको ईयरफोन दे नहीं सकता था, मतलब हमारे तरफ से भी, आइड्रा की तरफ से भी नहीं जा सकता था, क्योंकि कोई डिलीवरी कुछ अवेलेबल नहीं था। तो ब्लास्टी को खेलना था, तो ब्लास्टी बहुत दिन नहीं खेला, उसको कुछ प्रॉब्लम थे अपने, वो बोल रहा था कुछ है, तो ब्लास्टी खेला है पर सारे दिन नहीं खेल रहा है, एक दो दिन तीन दिन, मतलब बहुत सारे मैच भी खेला था वो, ठीक है? तो सारांग को खेलना पड़ा, इस वजह से हम अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उसके बाद क्या हुआ, क्वालिफाई नहीं हुआ, इनको पता था कि नहीं हो रहा है, सबको ही पता था। तो फिर दूसरे जगह, मतलब जिनके पास पीएमसीओ का स्लॉट है, तो उधर से ऑफर्स आए तो एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है? तो मतलब हाइड्रा के ओनर्स को नहीं बोला, तो वही सीन हुआ कि परसों डायनेमो ने उनको अच्छे से समझाया, ठीक है? उन्होंने कहा कि हमें ऐसे खेलना है, वैसे खेलना, जो जो उन्होंने कहा सब माना, ठीक है? अच्छे से उन्होंने समझाया, डायनेमो ने भी समझाया कि कुछ चीजें सुनने आई हैं, लेकिन तुम लोग अच्छे से रहना, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो हम लोग सपोर्ट करने के लिए है ही, अभी जैसे ही क्वालिफाई हो जाओगे तो बूट कैंप वगैरह सब दे देंगे, ये सब बोला, तो वो लोग मान गए। नेक्स्ट डे क्या होता है कि फ्रैग को ऑफर आता है कहीं से पीएमसीओ खेलने का, वो एक्सेप्ट करके वहाँ रजिस्टर कर देता है और मुझे कॉल करके कहता है कि डायनमो को बोल दे। डायरेक्ट भी डायनमो को नहीं बोला, या मतलब पूछा भी नहीं डायनमो से। एक खुद का होता है ना कि आप इतने दिन से खेल रहे हो तो आपका फर्ज बनता है कहीं भी जाने या कोई भी ऑफर लेने से पहले बताने का, तो ऐसा हुआ। तो डायरेक्ट मैंने डायनमो को बोला कॉल करके, तो डायनमो को ऑब्वियसली गुस्सा आएगा कि इतने दिन से साथ में ना कॉन्ट्रैक्ट किया था ना कुछ, पूरा फ्री थे, फिर भी एक अपना फैमिली जैसा था, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना होता है, तो एटलीस्ट बोलना चाहिए था, बट नहीं बोला। तो डायरेक्ट नाम चेंज करके फिर मतलब डायनमो को बोला मैंने, ठीक है? डायनमो को फ्रैग ने भी डायरेक्ट नहीं बोला था, मतलब पहले पूछा नहीं था कि जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ करके, तो अचानक से ऐसा छोड़ दिया। फिर इनका भी सीन था डायनमो को, अब लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता है, बट अब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, उधर से प्लास्टिक का ऑफर था, ठीक है? तो सब चीज कुछ भी करने से पहले इतनी बड़ी बड़ी, और डायरेक्ट किसी को नहीं बोलती है, तो सब पता चल जाता है लोगों को, तो डायनमो को भी पता चला, बट वो भी बात प्लास्टिक ने नहीं बोली थी डायनमो को, तो उनको बहुत, अब किसी को भी लगेगा यार कि मतलब नहीं हुए क्वालिफाई, डायरेक्ट अपने मन से छोड़ छाड़ के चले गए, तो फिर इसी वजह से और भी बहुत सारी बातें हैं वजह से हटाना पड़ा। अब आप बोल दो टाइम। तो भाई यही सीन है उसको, मतलब उन लोग को निकाला गया है, कोई उन्होंने लीव वीव नहीं किया है, उन लोगों को हमने और किक दो कर चांस दिया है। दिए थे, कि एक पीएमआईएस और एक पीएमसीओ, पीएमआईएस, तो पीएमसीओ इन दो सारी ऑफिशियल चीजें टूर्नामेंट है। अब हाँ, अब अगर तो ऑफिशियल टूर्नामेंट पहुंचेंगे ही नहीं, खेलेंगे ही नहीं ऑफिशियल टूर्नामेंट, तब तो मतलब ये नॉर्मल स्क्रिम्स टूर्नामेंट खेलने से तो कोई देखेगा नहीं, मेन तो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं ना, और अभी नेक्स्ट पीएमसीओ, तो फिर अब 6 महीने, तो फिर क्या फायदा। वही है, वही है। देखो यार, सारी चीज़ें तो अल्फा ने बताई दिया तुम लोग को गाइस सुबह उसकी स्ट्रीम पे। मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ, लाइक वही बस उसी की चीज़ को मैं बता रहा हूँ जो मुझे पता चली है नॉर्मली। तो लाइक क्या है भाई, देखो सबसे पहली बात, आपका आई मीन आपका गेम प्ले भले ही कितना अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं, आपका गेम प्ले अच्छा है भाई, जाहिर सी बात है हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, उस चीज़ की वजह से ही आपको सारी चीज़ें मिली है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि भाई आपको हाइड्रा ने सब कुछ दिया है, जैसे ऋषभ, ब्लास्टी, जितने भी लोग हैं भाई, मैं तो बोल ही नहीं रहा कि हाइड्रा में आने के बाद ही तुम लोग को लोग जानने लगे, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा ये सब चीज़ें, बट वो तो भाई वो खुद ही कहते कि भाई हमारा गेम प्ले तभी हम लोग को लोग जानते हैं, वो तो वो खुद ही कह रहे थे कल परसों मीटिंग में। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम तो कुछ है ही नहीं, मतलब चलता है, कोई इशू नहीं है। तो सीन ऐसा है गाइस, क्या है ना कि इन लोग को सारे चांस दिया, सब कुछ दिया, कोई इशू नहीं, गेम प्ले की वजह से किक नहीं हुए, किक हुए बैक स्टैबिंग की वजह से, ठीक है? ये लोग मतलब ऑलरेडी पीठ पीछे बहुत प्लान वैन कर रहे थे कि अगर नहीं हुआ तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ खेल लेंगे, एंड आई मीन वही जो सब नॉर्मली चलते रहता है, यू नो सारी चीज़ आपको पता ही है, जो नॉर्मली चलता है वही सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है? इन सब में उंगली करने वाला था भाई ब्लास्टी, जितना छोटा हम उसको समझते कि हाँ भाई छोटा है छोटा है, बट ट्रस्ट मी गाइस, वो छोटा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल छोटा नहीं है।
उसका दिमाग पता नहीं क्या ही काम करता है, एंड मैं भी उसको फिर गाली वाली दूँ तो उसमें मज़ा नहीं है ना, क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं गिरना चाहता। सही बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी उस लेवल पे नहीं गिरना चाहता। मेरी औकात थी कि भाई मैं इन लोग को स्क्रैच से उठा के बड़ा करूँ, एंड यू नो इनको सपोर्ट करूँ, सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करूँ, एंड इनका नाम वगैरह होगा, सारी चीज़ें होगी, एंड प्लस साइड बाई साइड हाइड्रा का भी नाम होगा। ये मेरी औकात थी, तो मैंने वो चीज़ की भाई। अब उन लोग की जो औकात थी वो उन लोगों ने वो चीज़ करके बता दी, पीठ पीछे मतलब गाली गलौज करना, यू नो लीडर क्लाइंट लीडर सबको गाली गलौज करना, एंड सारी चीज़ें भाई स्क्रीनशॉट वगैरह आई है मेरे पास, तभी ये सारी चीज़ें सामने आई, अदरवाइज आती भी नहीं, पता भी नहीं चलता कि ये लोग पीठ पीछे क्या सोचते क्या करते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो जब मालूम पड़ा तो भाई सिंपल सिंपल सी बात है ना कि आप ऐसे लोग को सपोर्ट कर रहे हो जो भाई सांप है, लिटरली पीठ पीछे खंजर खोप रहे हैं आपके बैठे बैठे, एंड सारी चीज़ें फुकट में लेके जा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें थी, एंड